अभी सम्स को देखो, मेसर्स मेगांड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग का डेबिट में जाएगा, परचेज भी डेबिट में जाएगा, कैरेज भी अलग अलग करके दिया हुआ है, वेजेज भी अलग अलग करके दिया हुआ है, सेल्स भी अलग अलग करके दे दिया है एक्सक्लूडिंग इंटर ट्रांसफर। अब देखिए परचेज गुड्स ट्रांसफर बाई बी टू ए, बी किसको दे रहा है, तो ए के लिए परचेज, बी के लिए सेल्स। बाई ए टू बी, ए किसको दे रहा है, बी को, बी के लिए परचेज, ए के लिए सेल्स, ये काम हो गया, ये परचेज गुड्स ट्रांसफर था। फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, देखिए फिनिश गुड्स भी, तो क्या हो गया, जैसे अभी आप बना रहे थे वैसे ही बनेगा। तो बाई बी टू ए, बी किसको दे रहा है, ए को, तो ए के लिए परचेज हो गया, बी के लिए सेल्स हो गया। हम लोग ये हेडिंग को वहां दे देंगे जो हेडिंग यहां दिया हुआ है, तो बढ़िया रहेगा। और फिर ए टू बी सेम वही है, रिटर्न भी हुआ है, देखिए रिटर्न भी हुआ है, और रिटर्न होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है, परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अलग दिया है और फिनिश गुड्स का अलग दिया है। जो है सब ट्रेडिंग में ही बहुत सारे ट्रांसफर हैं और कुछ खास नहीं है सम्स में, सम्स को डराने के लिए इस तरह से बना दिया। बट अभी अनलोड क्या बात बोल रहा है क्या, देखो परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर, ये जो परचेज गुड्स है, देखिए दो तरह का गुड्स ट्रांसफर हुआ था, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स। बोलता है परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट, अंडरलाइन करो, मतलब इसमें किसी भी तरह का अनलोड करने का दरकार नहीं है। एंड फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में होगा, एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, अंडरलाइन करो मार्केट प्राइस पे, यानी डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बी का परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना पड़ेगा। फिर बोलता है 20% फिनिश स्टॉक क्लोजिंग, तो जो फिनिश स्टॉक है 1,20,000 और 70,000 है, उसका 20% जो भी होगा, एक का हो जाएगा 24,000, एक का हो जाएगा 14,000, रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। तो इसी के ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा। पहले तो सम्स को बना लो, वहां तक का कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग अनलोड कर देंगे, जल्दी करो। बताएंगे जी, जल्दी जल्दी बताएंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है, वन लैक्स, और इसका उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेज कितना, 4,60,000, इसके बाद क्या दिया हुआ है बोलिए, कैरेज 10,000 और ये भी 10,000, इसके बाद क्या दिया हुआ है, वेजेज कितना कितना है, 60 and 40, यहां तक हो गया। इसके बाद बोलिए सेल्स दिया हुआ है कितना, 7,05,60,000। चलो इसके बाद बताओ क्या क्या ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, बोलो कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है, बी टू, तो ए के लिए, अब बी के लिए, और इसके बाद टू डिपार्टमेंट ए और यहां टू डिपार्टमेंट बी, इसके बाद बोलिए ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रांसफर को टीआर लिख रहे हैं जी, ट्रांसफर ऑफ
रेडिंग देनी है दोनों तरफ, बोलो कितना कितना। बी के लिए सेल्स यानी ए के लिए 175, दूसरा बोलो 25। इसके बाद बोलिए रिटर्न ऑफ हेडिंग दे दीजिए दोनों तरफ, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स का रिटर्न, बोलो कितना कितना है। 50 किस में आएगा, इसके लिए 50 आ रहा है, 50 जा रहा है, और इसमें 35 आ रहा है, और इसमें यहां तक कीजिए, सिर्फ ट्रांसफर भर दिया और कोई खास बात नहीं है, बट जो ही ट्रांसफर जो आप सीखे हैं इंटर ट्रांसफर, वही इंटर ट्रांसफर का हम लोग बात कर रहे हैं। बी में है तो ए लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक पहले हेडिंग दे दो, क्लोजिंग स्टॉक में पहला क्या क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज गुड्स, दूसरा कितना कितना दिया हुआ है बोलिए, 22,500, 30,000, इसका बोलिए फिनिश गुड्स 120,70, बस आ गया। अब लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट या कंबाइंड पीएल अकाउंट, मिटा दें, चलो जल्दी से कंबाइंड बनाना शुरू करो जनरल पीएल अकाउंट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी कितना कितना आया था, 2,12,500, और दूसरे का 2 स्टॉक रिजर्व, पहले हम लोगों को ₹4,22,500 ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालिए, रेस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। देखो
ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स आप कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, सेल्स लिखते थे इस डिपार्टमेंट का, बट यहां सेल्स के साथ फिनिश गुड्स भी जुड़ जाएगा क्योंकि फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स में से रिटर्न फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा? यहां ध्यान से देखिए, सम्स को देखिए, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। यानी मेरा जो सेल्स होगा परचेज के ऊपर तो कॉस्ट है, वो तो परचेज है, सेल्स सेल्स लेंगे ईच डिपार्टमेंट का, प्लस जो फिनिश गुड्स है वो भी सेल्स है, और जो उसमें रिटर्न हुआ उसको माइनस कर देंगे तो नेट सेल्स हमारा आ जाएगा। तो चलिए डिपार्टमेंट ए का बताइए कितना होगा, डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट बोलिए 212,500। अच्छा 212,500, सेल्स कितना है बोलिए 7,00,000, 2,00,000 का क्या है बोलिए फिनिश गुड्स, रिटर्न कितना है 50,000, 212,500, 9,00,000 में चला गया 50,000। अभी आप लोग परसेंटेज बताइए, दूसरे का तो 2,10,000 है, सेल्स है 5,60,000, फिनिश गुड्स का सेल्स है 1,75,000, माइनस 35,000 रिटर्न हुआ है, परसेंट निकाल रहे हैं, 2,10,000 तो होगा ही, नीचे में इसको जोड़ के इसमें माइनस कर दीजिए 1,40,000 हो गया, 7,00,000 हो जाएगा। फर्स्ट का 20, दूसरे का निकालो, दूसरे का कितना आया 30, ठीक है इसको 30 लिख दो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स में बोल रहा है इंक्लूड है, कितना है डिपार्टमेंट ए में फिनिश गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी क्लोजिंग स्टॉक बताइए जी 1,20,000 और 70,000, कितना इंक्लूड था बोलिए, वही जैसे क्लॉथ वाला था, रेडीमेड क्लॉथ वाला था वही है, कितना परसेंट बोला है 20%, उल्टा हो जाएगा, डिपार्टमेंट ए के पास किसका रहेगा बी का, और बी के पास किसका रहेगा स्टॉक रिजर्व निकल गया 2,400, 7,000, 200, 14,700, 3,500, 10,000, 10,700, कितना निकल गया 7,000। ये सम्स में भी अगर देखा जाए तो वही सेकंड वाला, सिर्फ ट्रांसफर बहुत सारा दे दिया और सब कुछ क्लियर बता दिया कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है उसमें 20% है, निकाल दिए। अब जो है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स तो आप पहले से निकालने जानते हैं, ए के पास बी का रहेगा, बी के पास ए का रहेगा, क्योंकि दोनों के पास, फिर हम लोग यहां पर लिख दिए निकल गया।